नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट करके उसका उत्तर जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती है। आपके ऑप्शन है ए, अधिगम में क्रियाशीलता, बी, छात्रों में सीखने की योग्यता, सी, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न सभी विशेषताएं होती है। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि आपके ऑप्शन है ए, कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतः क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए, ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, या ऑप्शन डी, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन का प्रयोग किया जाए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतः क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। शिक्षण और अधिक प्रभावित हो सकता है यदि आपके ऑप्शन है ए, छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, बी, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, सी, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, ऑप्शन डी, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक, आपके ऑप्शन है ए, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, बी, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, सी, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक निम्न सभी कार्यों को करता है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए, बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस, या डी वुडवर्थ। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर ने कहा है। सृजनात्मकता की विशेषताएं है, आपके ऑप्शन है ए, मौलिकता, बी, लचीलापन, सी, प्रवाहशीलता, या डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषताएं मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहशीलता सभी है। एलेकिया है, आपके ऑप्शन है ए, पढ़ने की अक्षमता, बी, लिखने की अक्षमता, सी, सीखने की अक्षमता, या डी, सुनने की अक्षमता। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता। एलेकिया पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? आपके ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, बी, 2 से 7 वर्ष, सी, 7 से 11 वर्ष, या डी, 11 से 15 वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 11 से 15 वर्ष।
पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु अवधि तक मानी जाती है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि आपके ऑप्शन है ए इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, बी उनका कौशल बढ़ता है, सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है या ऑप्शन डी वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हो जाती है। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें आपके ऑप्शन है ए एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। ऑप्शन बी एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन सी कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए संवेदनात्मक वृद्धि विकास अवस्था, बी पूर्व संकारी अवस्था, सी मूर्त संकारी अवस्था या डी औपचारिक संकारी अवस्था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को मूर्त संकारी अवस्था कहते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं? आपके ऑप्शन है ए उनकी उपेक्षा करके, बी उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, सी उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे या ऑप्शन डी उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। जो विद्यार्थी कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बात करेंगे हम उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए उस पर अधिक ध्यान देकर, बी उसे अधिक पुस्तकें देकर, सी उसे अधिक समय देकर या डी उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एक प्रतिभाशाली बालक की मदद हम उस पर अधिक ध्यान देकर कर सकते हैं। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, बी जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, सी कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पठन पाठन में शिक्षकों को कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका है
आपके ऑप्शन है ए ज्ञान का संप्रेषण करना, बी छात्रों को अनुशासन में रखना, सी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सृजन करना, या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षकों की भूमिका निम्न ए बी सी है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपके ऑप्शन है ए 150, बी 240, सी 280 या डी 460। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था या डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। कल्पना जगत में विचरण शैशवावस्था व किशोरावस्था में होता है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। आपके ऑप्शन है ए प्रक्षेपी विधि, बी प्रश्नावली विधि, सी साक्षात्कार विधि या डी समाजमिति विधि। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि प्रक्षेपी विधि है। भारत में शिक्षा प्रणाली है। आपके ऑप्शन है ए छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, बी व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, सी रोजगार के लिए तैयार करती है या डी परीक्षा के लिए तैयार करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए तैयार करती है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रकाश, बी माँ, सी ध्वनि या डी भोजन। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। बालक सर्वप्रथम प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए दमन, बी उत्तेजित, सी शांत या डी सक्रिय। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी प्रौढ़ावस्था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य शैशवावस्था में होता है। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। आपके ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष की आयु में कर लेता है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रुचियां, बी आवश्यकताएं, सी असुरक्षा या डी अभिवृत्ति। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह आवश्यकताएं है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1930,
बी 1887, सी 1879 या डी 1590। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए जॉन एंड सिंपसन, बी गैसल, सी स्टेनले हॉल या डी गिड फ्रे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन स्टेनले हॉल का है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। आपके ऑप्शन है ए हैडो रिपोर्ट, बी जीन प्याजे, सी फ्रेडरिक ट्रेसी या डी ई एल पील। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा जीन प्याजे का है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए हरलाक, बी जेम्स ड्रेवर, सी मैकडूगल, डी मुनरो। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हरलाक का है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। आपके ऑप्शन है ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या डी स्वकेंद्रित अवस्था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है। आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।